अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, क्या हाल चाल है। उम्मीद करता हूँ आप बिल्कुल खैरियत से होंगे। तो दोस्तों, आज हम एक सप्लाई लेकर आए हैं। आप देख सकते हैं इस सप्लाई की इनपुट 220 वोल्ट, 240 वोल्ट और 0.5 एम्पेयर है, 50 टू 60 हर्ट्ज़। और इसकी आउटपुट जो है वो आउटपुट है 12 वोल्ट 2.5 एम्पेयर। तो दोस्तों, इस सप्लाई पे हम ये बिलिनो मोटर और ये बल्ब चलाएंगे। तो अभी मैं इस पे चला के देखता हूँ, तो देखते हैं ये क्या करती है। तो ये इसका पावर शू है और मैं ये लगा रहा हूँ। तो मैंने ये लगा दिया, आप देख सकते हैं ये मोटर जो है ये थोड़े थोड़े झटके ले रही है, झटकों से चल रही है। और ये जो बल्ब है ये थोड़ी रोशनी दिखा रहा है, आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा रोशन होता है और बंद होता है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है कि ये सप्लाई जो है ये प्रोटेक्शन में जा रही है, क्योंकि इस पर लोड बहुत ज़्यादा है और ये प्रोटेक्शन में जा रही है। तो हम इसकी प्रोटेक्शन करेंगे रिमूव, इसको खोलकर और प्रोटेक्शन रिमूव करके आप दोस्तों को दिखाएंगे और इस पर ये दोनों लोड चलाएंगे। ये बिलिनो मोटर भी चलाएंगे और ये बल्ब भी चलाएंगे। इस बल्ब के ये दोनों पॉइंट हम चलाएंगे, इसके अंदर दो पॉइंट होते हैं आप देख सकते हैं, हम इसके दोनों पॉइंट चलाएंगे। तो करते हैं शुरू। तो सबसे पहले इसको हम खोलेंगे। इसका खोलने का तरीका ये है दोस्तों कि ये जो होती है इसके अंदर कोई स्क्रू वगैरह नहीं होता, तो इसको हम कैसे खोलेंगे? ये बड़ी मुश्किल से खुलती है, कभी कभार तो इसको खोलने की कोशिश में हम तोड़ भी बैठते हैं। तो इसको खोलने के लिए ये इंजेक्शन के अंदर क्या है, ये है पेट्रोल। तो मैं इस पर थोड़ा थोड़ा ये पेट्रोल डालूँगा, ठीक है जनाब। ये पेट्रोल मैं इस पर थोड़ा थोड़ा डाल रहा हूँ, ये आप देख सकते हैं। तो मैंने इस साइड पर थोड़ा थोड़ा जो इसका जोड़ है ना, इसके जोड़ अंदर के अंदर मैं पेट्रोल डाल रहा हूँ दोस्तों। इसके जोड़ के अंदर थोड़ा थोड़ा दोनों साइडों पे पेट्रोल डालते हैं और पेट्रोल डालने के बाद फिर आपको दिखाते हैं कि इसका खोलने का कौन सा तरीका है। तो ये पेट्रोल मैं इसको लगा रहा हूँ जी, थोड़ा थोड़ा पेट्रोल लगा रहा हूँ जनाब। तो ये पेट्रोल इसमें लग गया जी दोस्तों। एक हाथ में कैमरा पकड़ा हुआ है और एक हाथ से काम कर रहे हैं, थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है। बहरहाल इंशाल्लाह हम इसको कर लेंगे हैंडल। तो इसको पेट्रोल लगाते हैं, लाइव मैं ये बना रहा हूँ जी। तो दोस्तों, ये मेरे पास है ब्लेड, ये आप देख सकते हैं, ये आम दुकानों से मिल जाता है। तो हम इस ब्लेड की मदद से इसको खोलेंगे। हमने ये ब्लेड यहाँ रखना है, रख के ये हथौड़ी है, हथौड़ी से थोड़ा सा इसको हम ठोकर लगाएंगे। तो ये देखें ये खुल गया है, और ये देखें ये खुल गया है, ये बिल्कुल ओपन हो चुका है अभी। तो ओपन करने के बाद अब देखते हैं इसमें क्या सिस्टम करना है और ये प्रोटेक्शन ख़त्म हो जाएगी। दोस्तों, ये जो इसके अर्थ वाले दो पॉइंट हैं ये हम काट लेंगे, ये भी काट लिया और इधर से ये भी हम काट। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस आपको नज़र आ रही होगी, तो इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ। इस रेजिस्टेंस की वैल्यू है 22K। इसके कलर जो हैं, इसके कलर हैं लाल लाल और माल्टा। 22K की ये रेजिस्टेंस है। तो हम इस रेजिस्टेंस को यहाँ लगाने लगे हैं। तो मैं इसको थोड़ा सा बना लूँ, ये मैंने इसको बना लिया, थोड़ा सा मैं इसको सोल्ड करूँगा। तो ये रेजिस्टेंस है जनाब, ये आपको नज़र आ रही होगी, ये रेजिस्टेंस है। मैं इसको थोड़ा सा सोल्ड करता हूँ, ये मैंने इसको सोल्ड कर लिया। अभी मैं इसके सप्लाई के जो दो पॉइंट हैं इनको भी सोल्ड कर लूँ, इनको मैंने सोल्ड कर लिया। अभी ये रेजिस्टेंस जनाब हम लगाएंगे इस पर रेजिस्टेंस लगाएंगे। तो इसमें थोड़ा करंट है, मैं इसको डिस्चार्ज कर लूँ, ये डिस्चार्ज हो गया। 400 वोल्ट इसका कैपेसिटर चार्ज था और मुझे थोड़ा सा करंट भी लग गया है। तो ये मैं इस पर रेजिस्टेंस लगा रहा हूँ, ठीक है जनाब। दोस्तों, ये रेजिस्टेंस मैंने लगा ली है आपके सामने, तो आप देख लें ये जो ऑटो कपलर है
बाहर वाला इसके हार्ड साइड के दोनों पॉइंटों पे। तो अभी हम इसको करंट देंगे। ये हमारा सारा सिस्टम इधर ही पड़ा है, ये मोटर भी पड़ी है, ये बल्ब भी पड़ा है। तो मैं आपको अभी चेक करवाता हूँ। ये है हमारा इसका एसी वाले दो एसी का शू है। मैं ये चिमटियाँ इसमें लगा रहा हूँ। ये उसके बाद ये इसका है शू जनाब, इसको मैं पावर दे रहा हूँ। तो मैंने इसको पावर दे दी और ये मैंने कर दिया इसको ऑन। ठीक है जनाब, ये देख लें मोटर भी चल रही है और ये बल्ब भी चल रहा है। ठीक है, तो दोस्तों आपने जस्ट ये 22K की रेजिस्टेंस लगा के इसकी प्रोटेक्शन रिमूव कर देनी है। और प्रोटेक्शन रिमूव करने के बाद ये देख लें डबल लोड ये चला रही है, ये बल्ब भी चल रहा है और ये क्या बोलते हैं बलिनो मोटर भी चल रही है अपनी पूरी स्पीड पर और पूरे 12 वोल्ट निकाल रही है। मैं आपको इसका करंट भी चेक करवा सकता हूँ। तो बस ये वीडियो इतनी थी जनाब। तो नेक्स्ट ऐसी ही इंफॉर्मेशन वाली वीडियो के साथ इंशाल्लाह मिलेंगे। तो तब तक के लिए इजाज़त दें, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं दोस्तों तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँचे। तो तमाम दोस्तों का बहुत शुक्रिया। इसी के साथ इजाज़त दें, अल्लाह हाफिज़।